जेंदु यार मुकते दिलंते को किस्सा ना सुनो। तू को किस्सा सुना मजा आ जाएगा ते आज। ले तू किस्सा सुने मो पे ते। अरे पूरा ग्रंथ धरो मो पे किस्सा न को। टेंशन मत ले। हां ऐसी बात है तो चले अब तू सुना। सो भाई लीले एक अवेर की बात रे वे। हाओ अरे यार तू तो अभी ते मौज सी ले दो यार। अभी तो मन शुरू ना करो तू हाव हाव कर रो है। शुरू है यार ने के तन तो अंधे कहानी में। तो भैया क्या कियो? ठीक है भाई जेंदू जैसी थी मर्जी। सो भैया मेरे एक आदमी रेवे। सो बहुत दिन अंत नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी कू इतने तक बटक डोल लो। सो रे लीले वो आदमी है तो का है नौकरी ढूंढा ढूंढा थे वो पहुंचे गो राजा के दरबार में। हाँ फिर कहा भाई बाने कही राजा थे महाराज मुको नौकरी दे दू मैं बहुत दिन अंत काम के लिए भटक रहा हूँ मुको नौकरी दे दू। सो राजा ने बातें पूछी भाई तो मैं ऐसी का बात है ताते मैं तो अपने यहाँ रख लूँ नौकरी पे। अरे कछ न कछ बात होगी गाँव में यही थोड़ी आएगा वो। सोरे बाने कही राजा थे महाराज आदमी होए चाहे जानवर होए मैं बाकी सकल देख के बता दे हूँ कजी कैसो है। बाने सकल पढ़े हुए को डिप्लोमा कराओ मैं सावते। सो राजा ने सोची भाई जी तो बड़ा काम का आदमी है जाए तो अपने यहाँ होना चाहिए। सो राजा भाई अपने यहाँ नौकरी दे देते है घोड़ा होता है घोड़ा घोड़ा ने की रखवाई करवे का यूँ। सो एक दिन राजा भाई बुलावत है राजा वह आदमी है अपने घोड़ा है बतावत है तब वो हमेशा बैठे के जाते का। सो राजा ने कही वह आदमी थे देख जे म्यो घोड़ा है म्यो। अच्छा फिर कहा भाई सुबह आदमी ने कही राजा थे महाराज तुम बुरो तो नहीं मानेंगे मेरे से। राजा ने कही बुरो का क्यों मानेंगे जो बात है बताओ। सुबह आदमी ने कही महाराज तुम्हारी घोड़ा तो ना वो नस्ली ना ने तो इतने को सुन के तो राजा भगभगा जाते है। राजा ने कही एक बात है बता भाई मैंने जा घोड़ा पे लाखों रुपया खर्च करके लाया हूँ तू यो करो नस्ल को ना तो जो घोड़ा है। सही कही बात आदमी ने वो तो शकल देख के पहचान ले तो नहीं जी कैसा है। सोरे लीले राजा तू का खिसिया जाते हो बहुत राजा वह आदमी बुलावा तो है कापे दीवाने घोड़ा लो। हाँ मोह लगते आदमी की तो बत्तड़ी बनेगी। राजा ने वह आदमी से पूछी यो समझ ले मैं तो माफ देंगू जब घोड़ा के बारे में सब कछु सही सही बताया थे जैसा होता है जैसी बात। सो वह आदमी ने कही राजा थे महाराज जब घोड़ा की मैयो होते नहीं मैयो तब जाको जन्म में हो तभी मर गई। सो वह पाले हुए के लिए मन वह गैया को दूध पे आयो। राजा ने पूछी नौकरी वाले आदमी थे यो बता भाई तो कैसे पता परी रे कहे नसली ना तो। सो वह आदमी ने बताई महाराज जो घोड़ा होता है घोड़ा तो वे ऊपर मोकर के खावत है घास है जी बिल्कुल गैया इसने नीचे मोकर के खाए रहो सोई मैंने पहचान लो जे नसली ना ने तो। क्या आदमी है यार वास्तव में यार बहुत टैलेंटेड आदमी है। सो राजा है वो आदमी बहुत बढ़िया लगा तो है। दो तीन दिन बाद कहा भाई हो कि राजा अपनी रानी है वह आदमी के जो लेके आयो। राजा ने कही वह आदमी थे हमारी महारानी के बारे में बता मैं महारानी है बहुत बड़े राज घराने में थे लेके आया हूँ। वह आदमी ने कही राजा थे महाराज गलती हो सो माफ करियो तुम्हारी ये महारानी अत कहाँ है वो खानदानी ना आते। राजा ने कही खानदानी कैसे ना है भाई। वह आदमी ने कही ता तरीका थे महारानी सबन से बात करते हैं ऐसे कोई खानदानी लड़की होगी नहीं तब वो ऐसे बात नहीं करेगी महारानी जैसे गाली गलौच देखें सबन से बात करते ना ऐसे कोई खानदानी लड़की बात ना करते। राजा किसे आ जाते है बाप रोना आ तो वो अपनी सासों बुला लेते है। राजा बहुत पूछ तो है बात का या करे जो कछुए साहब साहब बता दे। सासू ने कही तुम्हारे पिताजी और हमारे महाराज जिनमें अच्छी दोस्ती ही मतलब। सो दोनों राजन ने अपने आप बात कर ली कि तुम्हारी लड़की थे हमारे लड़का की शादी है जाएगी पहले ही बात है गई। सो हमारे घर ता लड़की ने जन्म लो का हो वो तो गई मरे अब बात अजय कि बात रखवे के लिए तो उनसे पहले कह दई रिश्तों रखनो तो जाके चक्कर मन ने कहू और की मोड़ी लानी पड़ी। राजा का यार ये तो मिक्चर को खानदान हो पूरा। अरे यार तो एक बात बताओ तो भूली को दो आदमी राजा कछु बता तो नहीं हो तो राजा वह खुश है के भेड़ गैया दान कत्तो। राजा
खुश है क्या भेड़ बकैया भैंस बोए मतलब ऐसी चीज भाई दान कर दे तो खुशी में दे तो। मरे वे टीचर का काम आना तो वेते करने जे सुक्के उदना से है रे सही कदना का वो राजा ने बातें फिर पूछ ली। राजा ने कही आज तू मे बारे में बता। वह आदमी ने कही महाराज पहले मुझे अपनी जान की सलामती को वादा चाहिए, पहले मुझे वादा कर दो कि मुझे तुम कछु करेंगे नहीं। राजा ने कही घबरा मत भैया घबरा मत कछु नहीं करेंगे। वह आदमी ने कही सही बात बताऊं तो तुम राजा की औलाद तो वैसे ना था। राजा जा बात है सुन तक हम पहुंचा तो अपनी मम्मी के जोरे सो खेतो जो कछु बात हो सो बता दू। सो राजा की मैयो बतावते है बेटा मैं को औलाद नहीं। सो राजपाट चलाने के लिए मन्ने औलाद तो चाहिए। एक भैंस पोए चरवैयाओ सो बाप है तू मन्ने गोद ले लो। राजा पूछा तो फिर वो आदमी थे यो बता भाई तुम्हें कैसे पता पड़ी रे। वह आदमी ने कही राजा थे महाराज जो और राजा होता कहा है जब वे खुश होते हैं तो हीरा मोती जवाहरात ये सब चीज देते हैं दानों में और एक तुम्हें तुम भैंस पोए भेड़ बकैया ये सब अन्य देते हैं खुशी में भाई दिनाते मैं समझ गो जे को राजा की औलाद दिलाने आता। मरे राजा और की पूछा तो फिर तो ससुर आप ही गड़िया नहीं करो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए राम राम साहब।